हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इजी तरीके से सीखेंगे व्हाइट सॉस पास्ता बनाना। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन की घंटी है उसे प्रेस करना ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने ले लिया है पास्ता। आप जो भी पास्ता लेना चाहें, मार्केट में कई तरह के पास्ते मिल जाते हैं। देखिए, गैस पर हमने बाउल चढ़ा दिया है। इसमें कम से कम 3 कटोरी हमने पानी लिया है। अब इसे हम ढक करके उबाल आने देते हैं। देखिए पानी उबलने लगा है। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम नमक, डालेंगे पास्ता, तकरीबन 1 चम्मच इसमें हम ऑयल डाल देते हैं और इन सभी को ऐसे मिक्स कर लेते हैं। कम से कम इसे 10 मिनट तक आप पका लीजिए। 80% ये पक जाना चाहिए और 20% जो है जब सॉस में हम इसे पकाएंगे तो ये बन करके तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, ये पास्ता हमारा बॉयल हो चुका है। अब इसको हम निकाल करके इसे तो देखिए पास्ता हमने बॉयल करके निकाल लिया है बाउल में। तो फ्रेंड देखिए, अब कढ़ाई को हम फ्लेम पे रख लिए हैं। अब इसमें डालेंगे बटर। तो देखिए, इसमें हमने बटर डाल ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे मैदा डालेंगे और इसको हम ऐसे मिलाते जाएंगे जिससे कि हमारा अच्छे से ये बन जाए। इसको धीरे धीरे धीमी आंच पे आप भूनते हुए भून लीजिए, कच्चापन इसमें ना रहे। देखिए इसको अच्छे से भून लीजिए। भूनने के बाद अब इसमें दूध डालते हुए धीरे धीरे, अब इसमें देखिए गैस को आप बंद कर दीजिएगा। इसके बाद इस तरीके से फेंकते हुए इसको देखिए धीरे धीरे ऐसे चलाते रहिएगा गैस को आप बंद करके, जब तक आपका सॉस देखिए एकदम से इसमें कहीं भी गुठलियां नहीं हैं। और दूध को मिलाते हुए इसे पूरा एकदम मिक्स कर लीजिए। तो फ्रेंड देखिए, इसमें मिला लेते हैं टेस्ट के अनुसार नमक। अब इसमें मिलाएंगे हम काली मिर्च, और अगर आपको तीखा पसंद हो तो रेड चिली आप मिला सकते हैं। तो देखिए इसका सॉस देखिए कितना अच्छे से बनके तैयार है। अगर आप सॉस देखिए ऐसा होना चाहिए कि जब हम ऐसे उठाते हैं ना, देखिए अगल बगल आपका जो जिस चम्मच से आप चला रहे हो उसमें लगना चाहिए, देखिए दोनों साइड। अब इसमें हम देखिए पास्ता को करते हैं ऐड। देखिए पास्ता को इसमें हम मिक्स करते हैं और देखिए ये पास्ता हमारा बन करके तैयार है। तो फ्रेंड देखिए, ये पास्ता बनके तैयार है। इसे आप एक बार अपने घर पर इस रेसिपी को ट्राई करें, और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।